तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। हम तो कहीं आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, ये एपिसोड 3। और इसके बाद शायद जी टी 5 का वीडियो मैं फिर से अपलोड करने वाला हूँ। तो आज बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि वीडियो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मुझे आज नगर पोर्टल में जाना ही है, यही आज का मिशन है। तो पहले जो मैंने ढूंढ के रखा है कहाँ है वो, ये मेरा फ़ोन बज रहा था, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था अभी, इसलिए मेरा फ़ोन बज गया। तो इसको छोड़ो, अभी मैंने देख के रखा था, वो हमारे घर के बहुत ही नज़दीक था लावापुर, पर फिर भी मेरे को नोटिस नहीं हुआ था। ये देखो, यहाँ पे लावापुर, ये देखो। तो उसके पहले मैं यूट्यूब देख के ड्रीम वाला ट्रिक करूँगा, स्पीड रनर वाली, इसलिए मैं शॉर्ट्स खोल के बैठा था। पहले मुझे गोल्ड का सामान लाना होगा ताकि मैं नेदर पोर्टल में जा सकूँ, इसलिए जल्दी जल्दी पहले गोल्ड का सामान लाते हैं नीचे से। वहाँ पे मैंने गोल्ड देखा था उस वाले एरिया पे। तो गाइस सामने देखो, मैं उस वाले एरिया में पहुँच चुका हूँ। सामने ये देखो, यहाँ पे गोल्ड है, मैं जल्दी से जल्दी माइन करने वाला हूँ गोल्ड को। और मैंने यहाँ पे अभी तक टॉर्च, और नहीं मेरे पास है टॉर्चेस, इसको पहले मैं लगाता हूँ टॉर्चेस को। और मुझे स्केलेटन मार रहा है, इससे पहले स्केलेटन मार रहा है कि मैं उसको लेफ्ट हैंड पर ले लेता हूँ। ये देखो स्केलेटन, इसकी तो ऐसी की तैसी। खास वहाँ पर डायमंड से चार डायमंड मेरे को दिखे वहाँ पे, तो मैं आराम से उसको मार दूंगा। पहले इसको भाई डायमंड से वहाँ पे मारो, जल्द से जल्दी मर जा तू। अरे देखो क्रीपर ने मेरा काम कर दिया, क्रीपर तो मेरा भाई है। मेरे पास एक ही टॉर्च है लास्ट, उसको मैं लगाता हूँ जल्द से जल्दी। और यहाँ पे मैं जाकर पहले डायमंड अच्छे से माइन कर लेता हूँ। कितना डायमंड मिलते, इतने बहुत सारे डायमंड है यहाँ पे, पहले देखते माइन करके। एक दो तीन, भाई कितने सारे। अगर मेरे पास फॉर्चून थ्री का पिकअप होता तो और भी ज़्यादा मिल जाते। ज़्यादा माइन करते और माइन करते, मेरे पास 8 डायमंड हो चुके हैं। मतलब ये पूरा चंक ही डायमंड का था, ये अच्छा था। वैसे गोल्ड भी माइन कर लेते हैं, 7 गोल्ड हो चुके हैं। ठीक है गाइस, इतना काफ़ी है। और लैपिस लेजुली भी है, और यहाँ पे और भी गोल्ड है, इसको भी माइन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने फाइनली माइन कर लिया है जितना गोल्ड था वहाँ पे, और लगे हाथ में और भी ज़्यादा आयरन भी माइन कर लिया है। और अभी बाहर जाते हैं क्योंकि मुझे डायमंड का पिकैक्स बनाना होगा, और उसके बाद भी मेरे पे डायमंड्स बच जाएंगे। यहाँ पे कोल है, पर अभी कोल की ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ता भटक गया हूँ शायद, इस साइड से था। हाँ मैं आपको मिलता हूँ ऊपर जाके। मैं बाहर आ चुका हूँ, एक पोर्क चॉप खा लेता हूँ, एक नहीं दो खाना होगा। तो पहले इस साइड पर जल्दी, यहाँ पे मैंने लावा पूल देखा था, उससे पहले क्राफ्टिंग टेबल को निकाल लेते हैं क्योंकि मैं और वो वाला ट्रिक नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास डायमंड पिकैक्स आ चुका है, मतलब आने वाला है। तो फाइनली देखो मेरे पास डायमंड का पिकैक्स भी आ चुका है, इस साइड पे था। मैं वाटर बकेट डाल देता हूँ यहाँ पे। यार मैक्सिमम लावा तो वेस्ट हो चुका है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास 40 ऑब्सीडियन हो चुके हैं। अरे ये कौन मार रहा है, कम ही मार रहा है, ऊपर है। तो गाइस मैं जल्दी से शो के आता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं अच्छी सी नींद लेके आ चुका हूँ। अब मुझे बनाना है एक नेदर पोर्टल, मैं सोच रहा हूँ किस साइड पे बनाऊँ। एक्चुअली वो मेरा घर होने वाला है, और मैं इस वाले एपिसोड में भी मेरा घर कंप्लीट नहीं करने वाला। शायद इस जगह पे बिल्कुल ठीक होने वाले। हाँ इस जगह पे बनाते हैं। चलो गाइस उसके लिए मुझे चाहिए होंगे वुड, मैं वुड से बनाऊंगा पहला जो बेस है।
पहले इस साइड पे लगाते हैं 1 2 3 4। हाँ, इस वाले ब्लॉक पे मैं फिर से लगाता हूँ। तो इस अब इसको यहाँ पे रखते हैं। तो गाइस फाइनली देखो मेरा जो मेन जो फ्रेम है वो रेडी हो चुका है मेरे नेदर पोर्टल का, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब मैं घर पे जाने वाला हूँ फ्लिंट एंड स्टील लेने के लिए। मेरे पास फ्लिंट पड़े हुए थे, देखने दो अभी फ्लिंट है या फिर नहीं, उस वाले घर पे है मेरे। जल्दी जल्दी भाग कर आते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है फ्लिंट एंड स्टील और मैंने मेरा 5 डायमंड भी यहाँ पे सेफली रख दिया है। अब जाते हैं उसको इग्नाइट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरे जो वो 5 बचे हुए हैं क्या बोलते हैं डायमंड, उससे मैं एक एक्स और एक स्वॉर्ड बना लूँ, क्योंकि आर्मर तो अभी इतनी जल्दी बनने नहीं वाले डायमंड का पूरा। तो मैं उससे सोच रहा हूँ आज के वीडियो में मैं बना लूँगा। बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए गेम आया नहीं पूरा। तो इसलिए देखो यहाँ पे मेरा हो चुका है रेडी, क्योंकि एक बार मैं अभी नहीं मैं तो अभी तक गोल्ड के सामान ही नहीं बनाया। ठीक है, एक बार जाके ही देख लेते क्या है। तो इसलिए देखो मेरा नेदर कहाँ पे खुला है, वहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे क्वार्ट्ज के ओर्स, यहाँ पे गोल्ड के ओर्स भी है। पर अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास गोल्ड का सामान नहीं है और वो मुझे मार देंगे। वैसे मैं जल्दी आऊँगा पूरा गोल्ड और टीएनटी लेके और पूरा नेदर फाड़ दूँगा, और उसके बाद मैं बहुत सारे नेदरराइट लेके भाग जाऊँगा। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं, इसको मैं और भी अच्छे से डेकोरेट करूँगा धीरे धीरे। और मुझे लगता है अगले वीडियो में मैं घर को कम्प्लीट कर ही दूँगा। मैं ये पिछले वाले वीडियो में भी कहा और इस वाले वीडियो में भी कह रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी चल के मैं मेरा डायमंड का जो बाकी का टूल्स है वो भी मैं बना लेता हूँ। मैंने 3 एपिसोड में बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है खुद को, एकदम धीरे धीरे मैं ओवर पावर बन रहा हूँ। और उसके बाद SMP पे बहुत ज़्यादा और भी मेम्बर्स आने वाले हैं। यहाँ पे देखो शिट, मैंने फिर से गलती कर दी, मैंने 2 पिकैक्स बना लिए यार। एक और डायमंड का पिकैक्स, ठीक है गाइस इसको भी रख देता। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डायमंड वेस्ट हो गया। ठीक है गाइस क्या कर सकते हैं, और मैं फिर से डायमंड माइन करने जाऊँगा अगले एपिसोड में ही जाऊँगा। ये देखो गाइस मैं डायमंड का स्वॉर्ड हो चुका है रेडी। तो फिलहाल डायमंड के स्वॉर्ड से ही खुश रहते हैं हम लोग। और पहले मैं इस बार डायमंड पिकैक्स को भी बैकअप के लिए रख देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा वाला डायमंड का पिकैक्स है। और अभी आयरन पिकैक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और इसको भी इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इसको मैं फिलहाल रख देता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि फिर से माइनिंग पे जाऊँ, मुझे आज के वीडियो में ही चाहिए। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस ठीक है चले जाते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो गाइस देखो मैं 45 मिनट्स के बाद फिर से मैं 4 डायमंड लेके आ चुका हूँ। फिर बहुत मेहनत किया,
आज के वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है गाइस, मैं मुझसे अब चढ़ा भी नहीं जा रहा। देखिए अभी यहाँ पे चलते हैं, मेरा सारा पॉर्क चॉप ख़त्म हो चुका है और उसके बाद मेरा ब्रेड भी ख़त्म होने को आया है। अब ऊपर चलते हैं, अभी भी सुबह है। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और लाइक भी कर देना। जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं और फिर बनाते एक एक्स। और अब बनाते एक्स, एक एक्स बना लेते जल्दी जल्दी। यहाँ पे एक कुछ इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे ये देखिए गाइस, मेरा एक्स भी फाइनली रेडी है। यहाँ पे रखते हैं तो फाइनली गाइस सब कुछ रेडी है। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा जो डायमंड का पिकैक्स का हेल्थ ख़त्म क्यों नहीं हुआ। मैंने नीचे जाके अलग से एक पिकैक्स बनाया क्योंकि मैं पिकैक्स ले जाना भूल गया था और मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग की, इसलिए मुझे लगा कि डायमंड पिकैक्स को यूज़ करना सही नहीं होगा, बेकार सॉरी बेकार हेल्थ वेस्ट हो जाएगा डायमंड पिकैक्स का, इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो गाइस देखो, मैं फाइनली मेरे को अपग्रेड कर लिया है डायमंड के टूल्स के साथ। ओपी गाइस, यहाँ पे मेरा एक डायमंड एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको मैं सेफली यहाँ पे रख देता हूँ। और मैंने जो गोल्ड माइन किए थे उसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आयरन को उठा देता हूँ, ताकि मैं अगले वीडियो में पहले मैं मेरे घर को पूरा कंप्लीट करूँगा और उसके बाद मैं नेदर पोर्टल, नहीं अभी तो नेदर पोर्टल में नहीं जाना, मुझे पहले बहुत ज़्यादा TNT कलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं नेदर पोर्टल में जा सकता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, वो आउटरो यहाँ पर नहीं आया, आउटरो यहाँ पर नहीं, इस साइड पे मैं आउटरो करने वाला हूँ। हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने के लिए। और गाइस ये देखो, तो गाइस एक ये होने वाला थंबनेल, देखो जब मैं स्वॉर्ड को मारूंगा वो थंबनेल होने वाला है, ये होने वाला थंबनेल, ये देखो वो होने वाला थंबनेल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।